हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन IBPS PO में बहुत बार आता है, एंड और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे, और ये SSC CGL और CAT के एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं। 24 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, 32 वुमेन कैन कंप्लीट दिस सेम वर्क इन 24 डेज, 16 men and 16 women work for 12 days. How many more men are required to complete the remaining work in 2 days? तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद कोशिश कीजिए कि आप होते तो इस क्वेश्चन को कैसे करते। तो अब मैं इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो पहले आप ये डायग्राम देखिए, इससे आपको बहुत आसानी से समझ आएगा कि 16 men और 16 women ने 12 दिन तो काम किया ही किया, और उसके बाद 16 मैन और 16 वुमेन के ग्रुप के साथ और कितने मैन आए। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि 2 दिन में ही काम खत्म हो जाए, उस 12 दिन के बाद 2 दिन और लगे और काम खत्म हो जाए। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, 24 मैन उस काम को 16 दिन में करते हैं तो टोटल काम ये हो गया, और 32 वुमेन उस काम को 24 दिन में करती हैं तो उस हिसाब से टोटल वर्क ये हो गया, और एक क्वेश्चन में टोटल वर्क तो वही रहेगा ना, तो इसलिए हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। यहां से जब मैंने मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो देखा तो वो आ गया 2:1। इस 2:1 का क्या मतलब है दोस्तों, कि अगर एक मैन एक दिन में 2 यूनिट बनाता है तो एक वुमेन एक दिन में 1 यूनिट बनाती है। इस बात की आपको क्लैरिटी हो गई? ओके, अब कोई भी एक कंडीशन उठा लीजिए, या तो 24 मैन 16 दिन में, या ये वाली कंडीशन उठा लीजिए, या 32 वुमेन 24 दिन में, या ये वाली उठा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल वर्क सेम आएगा। तो अगर मैंने ये वाली कंडीशन उठा ली, 24 मैन 16 दिन में, एक मैन का रोज का काम कितने यूनिट है, 2 यूनिट। देखिए ध्यान से, ये जो एफिशिएंसी रेशियो निकाला है ना हमने 2:1, यहाँ पे एक मैन एक दिन में 2 यूनिट बनाता है, तो 24 मैन एक दिन में 24 × 2 48 यूनिट बनाएंगे, और 16 दिन में 16 करना पड़ेगा हमें। ठीक है दोस्तों, ये समझ आ गया? तो मैं कह सकता हूँ टोटल काम 24 × 32, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा जानबूझ के, लास्ट में कैलकुलेशन वैसे ही आसान हो जाएगी हमारी। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया इस क्वेश्चन में। अब ध्यान से पढ़िएगा, 16 मैन और 16 वुमेन ने ये 12 दिन तो काम किया ही किया, और वो 2 दिन भी किया ना, तो 16 मैन प्लस 16 वुमेन ने 12 दिन प्लस 2 दिन और, ये 14 दिन काम किया, और 2 दिन और एक्स्ट्रा किसने किया, वो जो एक्स बंदे आए हैं, ये ध्यान से देखना दोस्तों, एक्स बंदे, एक बंदे का रोज का काम कितना है, 2 यूनिट, तो एक्स बंदों का रोज का काम कितना है, 2, और 2 दिन भी काम किया तो इसलिए 2 एक और बार, और ये टोटल काम किसके बराबर रख देंगे हम, 24 × 32। अगर मैं इसको अब सॉल्व करूं, एम की वैल्यू पुट करूंगा, एक मैन का एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट, तो 16 × 2 = 32 प्लस, और एक वुमेन का एक यूनिट, यस एक वुमेन का एक यूनिट है ना, तो 16 × 1 = 16, और इन्होंने 14 दिन काम किया, और प्लस में हमारा 4x हो गया, = 24 × 32 हो गया हमारा। ये समझ गए आप? अब आगे देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x = 32 × 24, और ये जो ये वाला पार्ट था ना हमारा 48 × 14, ये देखिए ये वाला, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, 48 × 14। तो अगर मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों, 24 कॉमन ले सकता हूं, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान हो जाएगी, 32 − 2 × 14, तो ये 6 पे भी काट सकते हैं आप, तो x की वैल्यू आ गई 6 × 32 − 28, कितना हो गया 4, तो x की वैल्यू आ गई 24। तो इसका मतलब कितने और मैन ज्वाइन करेंगे, 24 मैन और ज्वाइन करेंगे ना 12 दिन के बाद,
तो काम 2 ही दिन में खत्म हो जाएगा। तो आपको ये शॉर्टकट बहुत ही पसंद आया होगा, तो आप मेरा चैनल कमल बजाज एप्टीट्यूड इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक्स।